स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू के फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज अ सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठीक है। उसमें हमने सॉलिड स्टेट को क्लासिफाई किया था तीन डिफरेंट सॉलिड्स में, तीन अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हमने पढ़े थे, जिसमें से पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमर्फस और जो थर्ड नंबर पर था डेट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। हमने इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया था, ब्रीफ में डिस्कस किया था एंड डिफ्रेंशिएट किया था इन तीनों सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन को, अमॉर्फस को और सुपर कूल्ड लिक्विड को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी किया था और एग्जांपल्स भी दिए थे। आज क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, हमें अपने सिलेबस में जो डिस्कशन है वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तक ही सीमित करना है। वी जस्ट ओनली हैव टू डिस्कस द सॉलिड स्टेट्स एंड इन दैट सॉलिड स्टेट हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। सो हम अपने डिस्कशन को सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक ही लिमिटेड करेंगे और आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि हाउ मैनी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है, वो अपनी उस पोजीशन के अलोंग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है शार्प। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो एक ही पॉइंट के ऊपर पिघल जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये चौक है, अगर मैं इस चौक को तोड़ना चाहूं तो मैं दो तरीकों से तोड़ सकता हूं, एक मैं इस चौक को ऐसे तोड़ सकता हूं और दूसरा मुझे इस चौक को इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, बट दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में मुझे फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जब किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग हो जाए उसे हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर हार्ड, दे कैन नॉट बी कट बाय सिंपल नाइफ, एक नाइफ एक चाकू के द्वारा हम उसे काट भी नहीं सकते। दीज आर व्हाट, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वी हैव टोटल फोर कैटेगरीज, मैं यहां लिख देता हूं फोर कैटेगरीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स, फर्स्ट कैटेगरी है आयोनिक सॉलिड्स। सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड, सेकेंड इज मोलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड मोलिक्यूलर सॉलिड विल फर्दर क्लासिफाई इंटू थ्री कैटेगरीज। वन इज
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सेकंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. The third category of crystalline solids is covalent solid. Covalent solid, solids, which also named as network solids. And the last crystalline solids is metallic solids. तो हमारे पास total ये चार category है, main चार category है crystalline solids की. इनको हम briefly discuss करेंगे और example भी देंगे. So first one is ionic solids. What is ionic solids? Ionic solids क्या होते हैं? Ionic solids are those solids. Ionic solids are those crystalline solids in which the constituent particles are ions. The constituent particles are ions like sodium chloride. Sodium chloride is present in the solid state in crystalline solid state, and in sodium chloride, the constituent particles are Na positive and Cl negative in NaCl. अगर हम sodium chloride की बात करें, तो sodium chloride के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन है? दोज आर आयंस. Na पॉजिटिव सोडियम आयन एंड Cl नेगेटिव क्लोराइड आयंस. उसी तरह KCl है हमारे पास, दैट इज आल्सो एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है. हेयर द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन कौन से फोर्सेस होते हैं यहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्स होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दे आर हार्ड. आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड. Have high melting point. इनका जो melting point होता है वो क्या होता है? High होता है. And last, they are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. In molten state as well as in the aqueous medium. Electricity in molten
एंड एक्वस मीडियम बट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. आयोनिक सॉलिड्स इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयन्स होते हैं, बट स्टिल इट इज इंसुलेटर और से नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ईच पार्टिकल इज प्रेजेंट एट इट्स प्रॉपर प्लेस, एक फिक्स्ड प्लेस पर ही पड़ा है, मूव नहीं कर रहा इधर उधर. और अगर मूव नहीं कर रहा तो करंट भी पास नहीं कर सकता. बट जैसे ही हम आयोनिक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वस मीडियम में उसे हम डाल देते हैं तो वो पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है जिससे उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है. और अगर मूवमेंट बढ़ जाती है देन दे विल बिकम द गुड कंडक्टर. सो आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन द एक्वस मीडियम बट नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, सो दिस इज द आयोनिक सॉलिड्स. नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सेकेंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. एंड व्हाट आर द मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? Those solids in which the constituent particles are ion molecules, sorry, constituent particles are molecules, जिसमें constituent particle molecules हो जाएं, ऐसे solids को हम क्या बोलते हैं? Molecular solids. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया था, तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड व्हाट आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में है and that molecule is non-polar in nature. ठीक है, जिनमें जो constituent particles molecular form में तो है but वो पूरा molecule क्या है? Non-polar है. so that solid is known as non-polar molecular solid. and what is that? example is hydrogen, chlorine. सेम अगर हम बात करें दिस इज मिथेन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ये चार इस तरह के सॉलिड है एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं. ये चार सॉलिड्स इस तरह के हैं. ये चार सॉलिड्स नॉर्मली ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते बट अगर हम इन्हें सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो ये बनेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बट किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करेगा जिससे क्या बनेगा? सॉलिड. बट वो जो अट्रैक्शन होगी वो जो इंट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? बहुत ही वीक.
So non-polar molecular solids have weak forces of attraction. And that attraction is known as non-polar interaction, or say van der Waal forces. Van der Waal forces hain inke beech mein. Theek hai? Second is they are soft. Ye solids soft honge. Third, they don't conduct the electricity. Ye electricity ko conduct nahi kar payenge. They don't conduct the electricity. And last point, they have low melting point. In solids ka jo melting point hoga, wo kya hoga? Kam. They have low melting point. Inka melting point kya hoga? Kam hoga. Theek hai? Molecular solid mein hi hum dusri category ko padhte hain, and that is what? Polar molecular solids. Non-polar hum padh chuke hain. अब पोलर की बात करते हैं, तो ये किस तरह के सॉलिड्स होते हैं? दीज आर आल्सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ए मॉलिक्यूल, बट दैट मॉलिक्यूल इज व्हाट? पोलर. पोलर होगा ये. जैसे कि अगर हम बात करें SO2, HCl, HF, एक्सेट्रा. तो ये जो सॉलिड्स हैं, नॉर्मली ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. ये जो मैटर है, ये जो फॉर्म्स हैं, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती. बट अगर हम इन्हें प्रेशराइज सॉलिड स्टेट में ले आए, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? दिस बिलोंग्स टू पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स, बिकॉज ये जो मोलिक्यूल है, ये क्या है? दिज आर पोलर इन नेचर. ये मोलिक्यूल्स पोलर है. इनका जो नेचर है वो कौन सा है? पोलर नेचर है. सो द फोर्सेस इन दीज सॉलिड्स आर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एंड दीज फोर्सेज आल्सो बिलोंग्स टू वैन डर वाल कैटेगरी. ये भी वैन डर वाल कैटेगरी में ही आते हैं. जैसे हमने लास्ट जो नॉन पोलर सॉलिड्स पढ़े थे वो भी वैन डर वाल कैटेगरी के थे. सिमिलरली पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड भी वैन डर वाल कैटेगरी के ही हैं, बट दोनों के फोर्सेज में डिफरेंस आ जाएगा. सेकंड, द फोर्सेज, फर्स्ट पॉइंट था द फोर्सेज इन सॉलिड स्टेट्स आर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन विच इज वैन डर वाल फोर्सेज. सेकंड है दे आर सॉफ्ट. ये भी सॉफ्ट ही हैं. ये सॉलिड्स भी हार्ड होने की बजाय क्या हैं? सॉफ्ट हैं. नंबर थ्री, दे आल्सो डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इन सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते. और लास्ट पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग
पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है, बट हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है बट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ नंबर थ्री, मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन नंबर सी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, और ये कौन से होते हैं, दो सॉलिड्स विच हैव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एग्जाम्पल हैं इसके हमारे पास आइस, अगर हम वाटर वाटर मॉलिक्यूल ले लें, आइस HF और से अमोनिया NH3, ये कुछ एक ऐसे सॉलिड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें देखिए क्या होगा, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड बिटवीन देम, H बॉन्ड बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सेकंड, दे आर सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होंगे बट हार्ड देन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर और मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से तो ये हार्ड होंगे बट नॉर्मली ये क्या होंगे, सॉफ्ट। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन सॉलिड स्टेट। एंड लास्ट, they have low melting point but their melting point is higher than polar and non polar। so मैं यहाँ एक order लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले जो melting point होगा hydrogen bonded molecular solids का, जो melting point है वो polar molecular solid से ज्यादा है, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा है। सो ये थे हमारे पास तीन कैटेगरी सॉलिड्स की, विच आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ वी हैव थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज कोवलेंट सॉलिड और से नेटवर्क सॉलिड। नंबर थ्री इज कोवलेंट सॉलिड्स और से नेटवर्क सॉलिड, ऐसे मॉलिक्यूलर, ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें एक कोवलेंट बॉन्ड बने और वो एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह फैले हुए हों, उन सॉलिड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दोज सॉलिड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड
in their particles and behaving as a net, एक जाल की तरह फैले हुए हो, ऐसे solids को हम क्या बोलते हैं? Covalent solids या network solid. और इसके example आए हमारे पास diamond and graphite. Diamond और graphite इसके हमारे पास example. ठीक है, इन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देखिए, द इंट्रैक्शन इज द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज, और से कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, द फोर्सेस आर कोवलेंट बॉन्डेड विच आर डायरेक्शनल, सो दे हैव कोवलेंट बॉन्ड. बिटवीन their particles, इनके particles के बीच में covalent bond होता है. Second, they are hard. They are hard. ये hard होते हैं. देखिए diamond और graphite. Diamond is the hardest substance on the planet. Diamond बहुत ही ज़्यादा hard होता है. Except graphite. But जो graphite होता है, वो hard नहीं होता. That is soft. उसके बाद दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. डायमंड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती एक्सेप्ट मर्करी, सॉरी ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट दोनों नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल हैं. डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका कारण अगर हमें बताना पड़े तो व्हाट इज द रीजन दैट बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बट स्टिल दे बिहेव लाइक डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से अलग अलग बिहेव करते हैं. क्यों? डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बट ग्रेफाइट करता है, तो इसका कारण क्या होगा? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द डायमंड और ग्रेफाइट. ये होता है डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का डिफरेंस. उसके कारण जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता बट ग्रेफाइट करता है. एंड लास्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है. सो दीज आर द नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स, और इसका नाम हमें बता रहा है, मेटालिक बॉन्ड बनेगा इसके पार्टिकल्स के बीच में. व्हाट इज द मेटालिक सॉलिड? हैविंग सॉलिड्स हैविंग मेटालिक बॉन्ड into या between its constituent particles अब बात आती है कि metallic solid के जो constituent particles होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और यहां लिखें constituent particles are constituent particles are positive charged kernels
एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा डेट इज मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड होगा। सो और कौन कौन सी इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले देखें मेटल्स एंड अलॉयज, ये इसके एग्जांपल हैं हमारे पास। और इसकी प्रॉपर्टी देखिए, मेटेलिक बॉन्ड होगा इसके पार्टिकल्स के बीच में। सेकंड इज दे आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। थर्ड वन इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। एंड लास्ट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। तो ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन और से कैटेगरी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। थैंक यू।